अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। कि मैं किसी और से प्यार करती हूं। What? हाँ बाबा, मैं किसी और से प्यार करती हूं और ये बात रोहन भी जानता है। I'm sure इस सगाई की न्यूज से जितना शौक मुझे लगा है उतना रोहन को भी लगा होगा। वो भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। मेरी और रोहन के पेरेंट्स को उसकी जरा सी भी फिक्र है तो आप प्लीज बाहर जाके बोल दीजिए कि ये सगाई नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ आपको सब लोगों से, मेहमानों से, रोहन के पेरेंट्स से बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। पर आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या सहन करना आसान है। थोड़ी देर के लिए सब मेहमानों की और रोहन के पेरेंट्स की नाराजगी या फिर जिंदगी भर के लिए मेरी और रोहन की उदासी। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ बाबा, प्लीज। कौन है जिससे तू प्यार करती है? वो आने वाले हैं यहाँ, जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने बुलाया उन्हें यहाँ। हुआ? ये सगाई नहीं होगी। सगाई नहीं हो सकती? मगर क्यों? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो मुझे मेहमानों से माफी मांगनी है। चल बेटा। पर नितिन ने जब मुझे फोन किया ये कहने को कि रोहन की सगाई है तो उसने मुझे नहीं बताया कि एक्चुअली निधि की सगाई है। अंजी, उसे पता नहीं था, उसे अभी पता चला है। और वो अभी अपने पापा से कहने गई है। खनन साहब, सब
हरिद्वारी लाल जी, मैं आप लोगों से एक भीख मांगना चाहता हूं। खान साहब, ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये सगाई अब नहीं हो सकती। आखिर बात क्या है? हरिद्वारी लाल जी, इस वक्त आप मुझसे और कुछ मत पूछिए। इस वक्त तो मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है ताकि मैं मेहमानों को बता सकूं कि अब यह सगाई नहीं हो सकती। आपकी परेशानी जो भी हो वो हमारी भी परेशानी। आप हमारी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, हम इंतजार करेंगे। इस समय आपको जो भी करना है वो आप कीजिए। दोस्तों, आज शाम यहां आकर आप सबने जो मेरा मान बढ़ाया है उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। होना तो यह था कि मेरी बेटी निधि और हरिद्वारी लाल जी के बेटे रोहन की सगाई होती, लेकिन किसी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। अब सगाई की रस्म नहीं हो पाएगी। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि खाना लगने ही वाला है, प्लीज सब लोग खाना खाकर जाएं। एक भी मेहमान अगर खाना खाए बगैर गया तो मुझे बहुत दुख होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत साहब। अगर आपको एतराज ना हो तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर बात क्या है। आपने कहा था कि पार्टी खत्म होने के बाद आप हमें बताएंगे कि क्या बात है। हाँ योग, तूने अचानक ये पार्टी कैंसिल करने का फैसला क्यों किया? बोल, हम सब जानना चाहते हैं। क्योंकि निधि निधि और रोहन दोनों को यह सगाई मंजूर नहीं थी।
मंजूर नहीं होने की कोई वजह तो होगी। कम ऑन वर्मा, टेल अस। क्योंकि निधि किसी और से प्यार करती है। तू किसी और से प्यार करती है? बोल निधि, कौन है वो? अरे बोल, कौन है वो? बोल कौन है वो? कौन है वो जिसकी वजह से तूने रोहन जैसे लड़के को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से तूने हरद्वारी और सुनीता का अपमान किया घर बुला के? कौन है वो जिसकी वजह से तूने इतने मेहमानों के सामने अपने बाप का सर नीचा कर दिया? दादी बुआ, इसमें कसूर निधि जी का नहीं है। कसूर है तो आप सबका है। आपकी गलतफहमी से आपने क्या को क्या समझ लिया, हमारे पीठ पीछे हमारा रिश्ता तय कर दिया। एक बार हमसे यह तक नहीं पूछा कि हमें यह रिश्ता मंजूर है या नहीं। आई एम सॉरी, अगर निधि जी की कोई गलती नहीं है तो सजा किस बात की? ये गलती है तो सिर्फ आप लोगों की, और ये सरासर नाइंसाफी है। तू चुप कर रोहन, ये कर्नल साहब के घर का अंदरूनी मामला है, तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं पापा, मैं बोलूंगा। मैं भी इस फैमिली का मेंबर हूं और मैं निधि जी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। बस बेटा, न्याय या अन्याय तो बेटा बाद में देखा जाएगा। तो मुझे ये बता कि वो कमबख्त है कौन? कौन है वो जिसने तुझे बहकाया है? दादी बुआ, मुझे किसी ने नहीं बहकाया। रोक हुआ, वो आने वाला है यहां थोड़ी देर में, बस आता ही होगा। क्या वो यहां आ रहा है? क्यों लड़की, वो यहां आ रहा है? आने दो उसे, मैं भी तो देखूं कि वो कौन इंसान है जिसकी वजह से मेरे सारे खानदान को भरी सभा में शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। कब आ रहा है? Thank you.
बात करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहाँ रह गई? जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 15 मिनट दूर है। 2 घंटे हो चुके, पता नहीं कहाँ है। मैं काम करता हूँ, अरमान जी को फोन करता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ प्लीज। मुझे इस लड़की से ये उम्मीद नहीं थी, धोखा दिया इसने। कर्नल साहब, रात काफी हो गई है, आप बुरा ना माने तो मैं और सुनीता कमरे में चलते हैं। छोटे सरकार जी, इनका कमरा ठीक कर दो, आप प्लीज जाएं और रेस्ट करें। तू निधि से पूछता क्यों नहीं कि कौन है वो, नाम क्या है उसका, कहाँ रहता है, क्या करता है वो, कहाँ से आ रहे हैं जो इतनी देर लग रही है उसे यहाँ पहुंचने में? कम से कम अपनी बेटी को बोल के फोन करके पूछे कि कहाँ तक पहुंचा है वो। बुआ जी, निधि ने उन्हें जरूर फोन किया होगा, और अगर उन्होंने कहा है कि वो आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हेलो अरमान जी, सॉरी आपको इतना लेट डिस्टर्ब किया। वो एक्चुअली हम थोड़ा डॉक्टर आशुतोष के लिए वरिड थे, उनका फोन ट्राई कर रहे थे, फोन नहीं मिल रहा। आपको कोई फोन आया क्या उनका? आशुतोष तो दिल्ली गया हुआ है, वो कल सुबह किसी फ्लाइट से आने वाला है। क्यों? एक्चुअली वो फ्लाइट से नहीं, दिल्ली से लखनऊ टैक्सी से निकले थे। टैक्सी से? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? अरमान जी बहुत लंबी कहानी है, क्या बताऊं। जी एक्चुअली यहाँ पे हम सब डॉक्टर आशुतोष का वेट कर रहे हैं और सब निधि जी से सवाल पूछ रहे हैं। निधि जी ने उन्हें फोन ट्राई किया लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल है। रोहन, जब निधि ने लास्ट टाइम आशुतोष से बात की थी तब वो लखनऊ से 15-20 मिनट दूर था ना, राइट? जी ठीक है, तुम निधि से कहो कि वो फिकर ना करे, मैं हिरमन काका को अभी लेकर दिल्ली लखनऊ के हाईवे पे जाता हूँ, शायद उसकी टैक्सी वहाँ खराब हो गई हो या वो किसी ट्रैफिक में फंस गया हो। निधि जी, हनुमान जी डॉक्टर आशुतोष को ढूंढने जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं निधि, देखो उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम अगर घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारी फैमिली और परेशान होगी, ठीक है? तो तुम वहीं रहो, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करते रहूंगा। आप नहीं जानते, यहाँ मेरा एक एक पल एक एक जन्म की तरह गुजर रहा है, हर एक पल मैं जी रही हूँ, मर रही हूँ, यू जस्ट डोंट नो। निधि, मुझे एहसास है कि तुम पर क्या गुजर रही होगी, पर हौसला रखो। हाँ, आशुतोष जहां भी होगा मैं सीधे उसको तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। जी हिरमन का, मैं तैयार हूं बेटे, चलो। डॉक्टर आशुतोष,